प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने आईटीएमएस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में प्रदेश के डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क सुरक्षा का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, जिसमें ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन कुछ लोग प्रतिदिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने कहा, कौन ब्रीफ करेगा? आसमानी पे जो बैठे ग्रीन सिग्नल हो चुका है सर, आप लोग आगे बढ़े। और दो जगह से स्पीड ओवर स्पीड सर, आपका रामगढ़ ताल वाला रोड एवरेज हाँ सर, मॉर्निंग में सर रहता है जी सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलान किया जाए रामगढ़ ताल का रोड है, और बाकी जगह सर हम लोग का एनपीआर है जो कि नंबर प्लेट रीडर नंबर प्लेट मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, और मैं एडीजी ट्रैफिक और रोड सेफ्टी हूं और साथ में 112, तो इन दोनों जगहों पे हमने विजिट किया और गोरखपुर में जो आईटीएमएस कंट्रोल सेंटर है उसको देखा, और उसमें काफ़ी सारे अच्छे काम हुए हैं, जिसमें प्रतिदिन जो कैमरे लगे हैं जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन डिटेक्शन करते हैं, लगभग अभी जो बताया गया 1000 करीब डेली ट्रैफिक रूल्स वायलेशन डिटेक्शन होता है, तो हमने एसएसपी साहब और एसपी ट्रैफिक साहब को बताया है कि जो भी ये वायलेशंस हैं इन पे चालान किए जाएं।